यह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसी को शॉर्ट में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वेस्पर थ्योरी, VSEPR वेस्पर थ्योरी। और केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से हम लोग ये सीखते हैं, नीचे क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे कि मीथेन का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन मीथेन का टेट्राहेड्रल ही क्यों होता है, ट्रायगोनल प्लानर क्यों नहीं होता है, वो रीजन इस जगह पर पता चलता है वेस्पर थ्योरी। यानी कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का, मॉलिक्यूल्स का क्या शेप होगा, वो हम लोग वेस्पर थ्योरी से निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होगा, CCl4 का कैसा होगा, PCl5 का कैसा होगा, वो वेस्पर थ्योरी से निकालते हैं। और इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहले वेस्पर थ्योरी क्या बताता है, जो वेस्पर थ्योरी ये बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का शेप उसके एटम के चारों तरफ में सराउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसका नाम ही पढ़ो, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट सेल को। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो कहता है कि हर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक ऑर्बिटल में वन पेयर होता है, हर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपेल करने के बाद में उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है जहां उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्सन मिनिमम हो जाए। ये वेस्पर थ्योरी बताता है, ये उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। देखो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट जो लिखवाए हैं, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो, उसी पर इनका शेप डिपेंड करता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर निगेटिवली चार्ज। सभी पेयर, चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि सभी के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ रहा है। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखे हैं आप, द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम आर सच दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही मिनिमम रिपल्सन होगा, यानी कि जो पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको ये ऑक्यूपाई करता है। फिर है द मैग्नीट्यूड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये एक क्लास के बाद में पहुँचेंगे हम लोग कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। और फिर एक लास्ट पॉइंट है कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, यानी कि अगर किसी एटम्स के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो उसे हम लोग वेस्पर थ्योरी के अनुसार से 1 पेयर ही कंसिडर करेंगे मल्टीपल बॉन्ड के लिए। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो तो काउंट किया जाए। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पर पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे देखना ध्यान से, रिस्पॉन्ड करना। मान लीजिए मेरे हाथ ये सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हर एक पेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वन पेयर है, वन पेयर है, ठीक है। अभी बताओ तो इस सेंट्रल एटम के पास में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये दोनों जब एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएगा, और दूर जाने के बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वो यहाँ आएगा इस जगह पर। इसके बाद इधर करोगे तो फिर इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वो ये हो गया। अब इस तरह के शेप को हम लोग लीनियर शेप कहते हैं, और इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल निकाला जाए तो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। यानी यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, अगर ज्योमेट्री हम लोग लीनियर का देखें तो लीनियर के केस में अगर सेंट्रल एटम को ए और सराउंडिंग एटम को बी कंसिडर करें तो यहाँ पर ए और बी और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो जो यहाँ ज्योमेट्री के लिए बॉक्स छोड़ा गया है इसकी जगह पर ये पार्ट आ जाएगा, इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर अगर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री का ऐसा कहा जाएगा, लीनियर, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना, 180 डिग्री। उसी तरह से फिर आप कंसिडर करो, यहाँ पर इस जगह पर अभी बताओ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3। ये सब एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, और फाइनली ये इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। इक्वल रिपल्सन हो रहा है सब जगह पर। थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट अप्लाई करो, बताओ टोटल कितने डिग्री का एंगल, 360। अब 360 को 3 इक्वल पार्ट में बटाओगे तो क्या हो जाएगा, 120। ये भी 120, 120 और 120। अब इसका ये शेप ट्रायंगुलर दिख रहा है, ट्रायंगुलर, यानी कि अगर ए सेंट्रल एटम को कंसिडर करें
यहाँ पर ये बी, यहाँ पर भी बी बी, और इस तरह के शेप को हम लोग ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। और बताओ इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर दिया कि अगर बॉन्ड पेयर 3 तो शेप कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लानर। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का? 120। तो यहाँ जो बॉक्स लगा हुआ है उस बॉक्स में इस शेप को यहाँ ड्रॉ करना है, हो गया ये। 3 के बाद में अगर 4 रहा, अभी ये मेरे पास में 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाता है। अभी तक जो डायग्राम देख रहे थे वो 2 डायमेंशनल था, और अब ये 3 डायमेंशनल होता है इस तरीके से। ये 3 डायमेंशनल है, सब एक दूसरे को इक्वली रिपेल कर रहा है, सब एक दूसरे को इक्वली रिपेल कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। सब एंगल देख रहे हो कि 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है, 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली 109.5 डिग्री होता है, ये भी 109.5, ये भी 109.5, ये भी 109.5। इस तरह के ज्योमेट्री को, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अब इनका शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी है। बोर्ड है हमारा 2 डायमेंशनल और ज्योमेट्री कैसा है? 3 डायमेंशनल। तो कहता है कि इसके बनाने का तरीका क्या है कि किसी दो प्लेन को एक जगह पर कंसीडर करो, दो पोजीशन को एक प्लेन में मान लो। तो ये ब्लू और ये रेड कलर वाला जो एक प्लेन में आ गया, तो जैसे ही एक प्लेन में आ गया तो एक अबव द प्लेन है, दूसरा कहाँ चला गया? बिलो द प्लेन। तो एक को यहाँ नीचे की तरफ में और एक को यहाँ पर ऐसे कर। ये 3 डायमेंशनल। अब जब ये ज्योमेट्री किसी के दिमाग में नहीं रहता है तो जब 3 डायमेंशनल बनाने के लिए टेट्राहेड्रल कहा जाता है ना, तो ऐसे बना देता है, ये 4 हो गया। बताओ तो ये 109.5 डिग्री दिख रहा है, ये ऐसे है इस तरीके से। तो यहाँ और यहाँ ये दोनों पोजिशन आ गया, ये ऊपर की तरफ आ गया और ये नीचे की तरफ में चला गया। और इस ज्योमेट्री को हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। अब चूंकि हम लोग ए और बी मान करके चल रहे हैं, तो सेंटर में ए डालेंगे और सराउंडिंग में क्या डालेंगे? बी। तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा, ए यहाँ, बी बी, ये भी बी और ये भी बी। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 109.5 डिग्री। आप इसके आउटर लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करो। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल के बाद में अगर 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कहा जाता है। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसे आया? जो यहाँ पर देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको इमेजिन करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो है 120 डिग्री का, इसके साथ में बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे तो 120 डिग्री का आएगा। ये देखो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर में, इसको ट्राइगोनल बाईपिरामिडल क्यों कहा गया? जो ये बेस इसका कैसा है? ट्रायंगुलर। और आप इमेजिन करो कि ये पार्ट पूरा कवर कर रहा है, ये भी इसको कवर कर रहा है, ये भी इसको कवर कर रहा है। तो कवर करेगा तो पिरामिड बन जाएगा, तो एक पिरामिड ऊपर में बन गया और उसी तरह से फिर दूसरा पिरामिड नीचे में बनेगा यहाँ पर। तो दो पिरामिड बना, तो दो पिरामिड की वजह से इसे क्या कहा जाएगा? बाई पिरामिडल। तो बेस इसका ट्रायंगुलर है और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, इसलिए इसके शेप को कहा गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल दो तरह का आएगा, बेस के साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये 120 डिग्री का, और ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिक कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसको अगर हम लोग बोर्ड पर प्लॉट करें तो ये इस तरीके से दिखेगा। ए जो ट्रायंगुलर है वो इस यहाँ पर रखते हैं, और जी ये जो परपेंडिकुलर है इसके लेंथ को हम लोग लंबा कर देंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जो बेस पर होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं एक्सी, ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो ऊपर नीचे है उसको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। ये ए, यहाँ पर ये बी बी बी, इस जगह पर भी बी आ गया और यहाँ पर भी बी। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 2 आएगा, एक ये बॉन्ड एंगल का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल है इसका वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। और इस शेप को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहा जाता है।
ट्राइगोनल बाइपिरा। अब देखो यहां, अगर फाइव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल कितने का 120 डिग्री और 90 डिग्री, क्लियर है। अब अगर सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तब तो चार बेस पर चला जाएगा और बाकी का दो ऊपर और नीचे आ जाएगा, यानी कि सिक्स कुछ इस तरीके से यह दिखेगा। यहां देखो 1 2 3 4 फोर पोजिशन ही आ गया, एक ऊपर में और ये नीचे में। अब पहले वाले का बेस ट्रायंगुलर था, इसका बेस कैसा है, स्क्वायर। अब यहां पर भी अगर कवर करोगे तो एक पिरामिड बन जाएगा और यहां भी एक पिरामिड बन जाएगा। उसका बेस ट्रायंगुलर था और दो पिरामिड बन रहा था तो उसे कहा गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बताओ तो इस ज्योमेट्री को क्या कहा जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये स्क्वायर है और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन अधिकांश जगह पर आपको स्क्वायर बाई पिरामिडल की जगह पर एक और अलग नाम दिखेगा, इसे ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। इसको सबको मिला देंगे तो ऑक्टाहेड्रन का स्ट्रक्चर बना जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल एंगल, ये परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का 90, और यहाँ से अगर बनाओ इस सब जगह पर तो ये एक दूसरे को कवर कर रहा है तो ये सब भी कितने का होगा 90 डिग्री का। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो सिक्स के केस में ज्योमेट्री कैसा है, ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री। अगर ये ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ऐसे दिखेगा, ए बेस पर स्क्वायर आ गया और ये ऊपर और नीचे, जो एक्सियल बॉन्ड है उसका लेंथ बड़ा रखोगे, बी 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 और ये बी। इस ज्योमेट्री को कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और इनका ये एंगल भी देखा जाए तो कितने डिग्री का 90 डिग्री का, और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी कितने डिग्री का 90 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, फाइव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो तीन बेस पर चला गया, दो ऊपर नीचे। छह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो चार बेस पर चला गया और दो ऊपर नीचे। अब अगर सात है तो बताओ बेस पर कितना जाएगा, पाँच, पाँच बेस पर आएगा और दो ऊपर और नीचे आएगा। 360 डिग्री को तीन पार्ट में बांटे तो बेस पर जो था उसका 120 डिग्री, चार इक्वल पार्ट में बांटे तो 360 डिवाइडेड बाई 4 तो 90 डिग्री। वहीं अगर पेंटागोनल बन रहा है बेस पर, पांच बन रहा है तो 360 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो बॉन्ड एंगल वैल्यू कितने डिग्री का 72 डिग्री का। यानी पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप बताना डिफिकल्ट है, ऐसे बनाते हैं देखो, पाँचों आइडेंटिकल होगा, 1 2 3 4 5, ये पांच ड्रॉ कर ली, ये पांच बेस पर आ गए और दो ऊपर और नीचे एक्सियल आ गए, यहां पर यहां बी और बी, इनके बीच का अगर एंगल कहा जाए ये कितने डिग्री का आ जाएगा 90 डिग्री, और ये सब एंगल कितने डिग्री का 72 डिग्री। इनका अगर आउटलाइन अगर देखें हम लोग तो ये बेस पर आ गया पेंटागोनल और ऊपर और नीचे ये क्या हो गया बाई पिरामिडल। तो यहाँ पर इस जगह पर अगर आप ज्योमेट्री देखोगे, यहाँ आ गया 7, 7 से आ गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल और बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। बोलो समझ में आया। अब एक बार फिर से वेस्पर थ्योरी के अनुसार से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप उसके चारों तरफ में सराउंडेड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल कर उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं जहां डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्सन मिनिमम हो। अगर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, अब आप रिस्पॉन्ड करोगे, अगर किसी सेंट्रल एटम के पास में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो बताओ उसका शेप कैसा होगा, लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। अगर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ट्राइगोनल प्लैनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। अगर फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल वैल्यू 109.5 डिग्री। अगर फाइव हो गया ट्राइगोनल बाई, फाइव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बेस ट्रायंगुलर ऊपर और नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर सिक्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और अगर सेवन है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल और एंगल कितने डिग्री का 72 डिग्री एंड 90 डिग्री।
याद रहेगा। अभी आप टेबल बनाते वक्त में यहाँ पर ये स्पेस उस अनुसार से छोड़ोगे कि ये वाला ज्योमेट्री इसमें आ जाए, देखिए ये ज्योमेट्री आ जाए कॉपी के लिए। अब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा। इस वेस्पर थ्योरी को दो पार्ट में बांट के पढ़ना है। एक बार में बात अभी हम लोग कर रहे हैं सिर्फ जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। देखो ऊपर में टेबल के नीचे ऊपर में दिखाई दे रहा है, शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिर आएगा एक और टेबल जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा, दोनों होगा, और वो भी इसी फॉर्मेट पर बेस्ड होगा। अब ये किस तरीके से यूज हुआ है जो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आप बताओगे शेप याद हुआ या नहीं हुआ। अगर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो लीनियर, थ्री ट्राइगोनल पैनर, फोर टेट्राहेड्रल, फाइव ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सिक्स ऑक्टाहेड्रल, सेवन पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब एक दो हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे बोर्ड पर, कॉपी करने के लिए टाइम भी देंगे और फिर बाकी आपसे क्वेश्चन बनेगा भी। यहाँ क्वेश्चन करा है ड्रॉ द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड प्रेडिक्ट द शेप, यानी इसका शेप भी बनाना है। BF2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 4, कॉन्फ़िगरेशन 2-2, फ्लोरीन का 9, कॉन्फ़िगरेशन 2-7। बताओ बेरिलियम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 6, और फ्लोरीन को 1। तो शेयरिंग वो डिसाइड करेगा जिसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी शेयरिंग कौन डिसाइड करेगा, फ्लोरीन, यानी दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। यहाँ सेंट्रल एटम बेरिलियम हो गया और सराउंडिंग एटम यहाँ फ्लोरीन हो गया। ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसी वक्त में बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब बेरिलियम की बारी है, 1-2, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2। फ्लोरीन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ, लेकिन बेरिलियम का सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। ये उस मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में होगा जहां ऑक्टेट रूल का वायलेशन होता है, पढ़े हम लोग वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल वो है। अब हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम के पास में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम, बताओ तो इसके पास में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो 2 है, तो इस कंडीशन में इनका शेप बताओ कैसा आएगा, शेप इनका हो गया लीनियर। अब बनाते हैं लीनियर, सेंट्रल एटम बेरिलियम, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल बताओ कितने डिग्री का, 180 डिग्री। ये BF2 का हुआ। दूसरा है BH3, इसको भी उसी तरह से, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2-3, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। शेयरिंग बताओ कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, 1। BH3 में बोलो सेंट्रल एटम बोरॉन, रिस्पॉन्ड करो, कोई वे नहीं रहोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1-2-3। देखो तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इनका डुप्लेट पूरा हुआ, इनका डुप्लेट पूरा हुआ, लेकिन बोरॉन के पास में कितने हैं, 6, यानी ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, वो अलग मैटर है। अब बताओ सेंट्रल एटम के पास में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो शेप बताओ कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर, बनाते हैं ट्राइगोनल प्लैनर, ये आ गया ट्राइगोनल प्लैनर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्लोज्ड एरिया हो गया इसका। अगर इनके बीच का बॉन्ड एंगल वैल्यू बताना है तो 120 डिग्री, बोलो समझ में आ रहा है, यानी सारा कुछ उसी शेप पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर CH4 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2-4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1-1, शेयरिंग कौन डिसाइड करेगा, हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, सेंट्रल एटम कार्बन और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन,
वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, बताओ कार्बन कितना देगा, वन 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 वन, इसका फोर इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इनका डुप्लेट पूरा हो गया, इनका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट, और संयोग से इस बार में कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बताओ सेंट्रल एटम के पास में टोटल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन शेप बताओ कैसा आएगा, ठीक है, शेप टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल बनाते हैं, सेंटर में कार्बन है, ये टेट्राहेड्रल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल वैल्यू कितने डिग्री का, 9.5 डिग्री का। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसका आउटर लाइन भी खींच सकते हैं, CH4। अब समझ में आया कि मीथेन का टेट्राहेड्रल ही क्यों होता है। मीथेन का टेट्राहेड्रल इसलिए हुआ क्योंकि मीथेन में कार्बन एटम के पास में फोर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और वेस्पर थ्योरी के अनुसार से अगर फोर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एक्वायर करता है। बताओ आपसे PCl5 बन जाएगा, SF6 भी बनेगा, ये बनेगा। जिसमें डाउट लग रहा है वो हम बताते हैं, आपको दिक्कत होगा CCl4 भी बनेगा, ये होमवर्क दे देंगे। आपसे गलती होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, यहाँ मिस्टेक हो सकता है। CO2 में देखो क्या करना है, पहले लिविस डाटा स्ट्रक्चर लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2-4, ऑक्सीजन का 8, कॉन्फ़िगरेशन 2-6, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4, शेयरिंग कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन, सेंटर में कार्बन डाल दिए, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब कार्बन की बारी है, 1, 2, 3, 4, यहाँ देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बताओ यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास में कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नहीं 2, यहाँ पर 2, सर ये कैसे हो गया 2। अब ये देखो आप मल्टी, आपका यहाँ पर जिस वक्त में वेस्पर थ्योरी का पॉइंट्स लिखवाए थे उस जगह पर एक पॉइंट था, वो लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल सुपर पेयर, यानी दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो रहे हैं, दो एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या कंसिडर करेंगे, सिंगल पेयर में इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। और उसी कंसेप्ट के अनुसार से अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ देखो तो यह डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, क्यों डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सब को सिंगल सुपर पेयर कंसिडर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क कर दिए कि ये टू नहीं है, टू सिंगल सुपर पेयर ऑफ है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टू सुपर पेयर कह सकते हो इसको, तो यहाँ टू है। अगर टू है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अब बताओ इनका शेप कैसा होगा, शेप लीनियर, इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं यहाँ डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। कई बार में स्टूडेंट ये तो लिखता है लीनियर लिखता है लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड की जगह पर क्या कर देता है, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बता रहा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इसीलिए डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड कर दोगे तो इसका मतलब तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो दो जगह पर मिस्टेक करता है, या तो बॉन्ड पेयर की जगह पर चार लिख देगा तो टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में तो चार ऑक्सीजन चाहिए जबकि यहाँ फार्मूले में कितना ऑक्सीजन है, दो, तो वो कहाँ से करेगा। और दूसरा गलती करता है कि इसको टू मानता है, सेप लीनियर लिखता है तो यहाँ डबल बॉन्ड की बजाय क्या कर देता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब होगा, जब यहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, दो दो इलेक्ट्रॉन का, इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा और इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल वैल्यू 180 डिग्री। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सेप कैसा है, लीनियर बन जाएगा। अब आपसे तो इसके अलावा बाकी का आपका होमवर्क रहेगा कि आप किसका किसका बनाओगे, आपको PCl5 का बनाना है, SF6 का बनाना है और IF7 का बनाना है, यानी ये तीन का बनाना है, ठीक है। बाकी अब आप कॉपी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।